ओम शांति। इस पुरानी दुनिया की सभी बातों से अपने मन बुद्धि को समेटकर अपने आप को देखें। इस देह रूपी कुटिया में स्थित मैं एक रूहानी ज्योति हूं। सुप्रीम रूह महाज्योति परमात्मा की मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। परमधाम निवासी महाज्योति शिवबाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करके खो जाए शिव पिता की मोहब्बत में। अनुभव करे रूहों की दुनिया के निवासी सुप्रीम रूह शुबाबा मुझ आत्मा पर रूहानी स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। परमात्मा स्नेह सुखद फवारों के रूप में मुझ आत्मा पर अविरत बरस रहा है। मैं आत्मा रूहानी स्नेह से परमात्मा स्नेह से भरपूर हो रहा हूं। रूहानी बाबा का मुझ रूहानी बच्चे प्रति असीमित रूहानी स्नेह है। यह रूहानी स्नेह परमात्मा स्नेह ही निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह ही दिल का स्नेह है।
मेरे प्रति बाप के इसी सच्चे स्नेह ने मुझे सारे कल्प के लिए परमात्मा स्नेही बना दिया है। यह परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, रूहानी स्नेह, अविनाशी स्नेह ही मेरे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इस ब्राह्मण जीवन में सच्चे रूहानी स्नेह का अनुभव करके ही मैं सच्चा आनंद प्राप्त कर रहा हूं। यह रूहानी स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। यह परमात्मा स्नेह ही दिल का सच्चा स्नेह है। इस रूहानी स्नेह ने ही मुझे सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बना दिया है। अब परमात्मा स्नेह में समाकर रूहानी नशा अनुभव करें। बाबा के साथ सर्व संबंधों का दिल से अनुभव करें। अपना दिल और दिमाग एक बाप के हवाले कर दे। सच्चा परमात्मा स्नेही बन समा जाए परमात्मा स्नेह में। रूहानी परवाना बन न्योछावर हो जाए रूहानी क्षमा पर।
समा जाए, लवलीन हो जाए एक बाप के लव में। बाप के मोहब्बत का फल खाकर मैं स्वयं को मेहनत मुक्त अनुभव कर रहा हूं। अब दिल और दिमाग में सिर्फ एक बाप। बुद्धि में यथार्थ ईश्वरीय ज्ञान, स्नेह संपन्न ज्ञान, अब एक निराकार बाप के सिवाय किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह नहीं। ना कोई व्यक्ति से, ना वैभव से, सबको देखते हुए सदा यही स्मृति की सबको विशेषताएं देने वाला, प्राप्तियां देने वाला एक बाप है। परमात्मा स्नेह से भरपूर मुझ परमात्मा स्नेही आत्मा को अब एक पल के लिए भी परमात्मा को भुलाना मुश्किल। एक बाप को भुलाना नामुमकिन। परमात्मा स्नेही बनकर अब मन में निराकार परमात्मा की स्वतः और सहज याद। मैं सच्चा परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। यह परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। परिवर्तन होने का सहज साधन है। यह अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। सिर्फ एक रूहानी बाप से अपना कनेक्शन जोड़कर, सिर्फ एक रूहानी बाप से स्नेह रखकर मैं सर्व का स्नेही बन जाता हूं। जैसे बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है,
वैसे एक बाप से स्नेह किया तो मैं सर्व का स्नेही सहयोगी स्वतः ही बन जाता हूं। यह रूहानी स्नेह हर कार्य को सहज कर देता है। मेहनत से छुड़ा देता है। परमात्मा स्नेही बनकर मैं सर्व प्राप्तियों के सागर में समाया रहता हूं। सर्व अनुभव के सागर में समाया रहता हूं। याद की अनुभूति के मस्ती में मस्त रहता हूं। परमात्मा स्नेह में समाकर मैं लवलीन स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। अतींद्रिय सुख की अनुभूति कर रहा हूं। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा निरंतर सहज योगी हूं। ओम शांति।